हाय गाइस, वेलकम टू गाइडली। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं शेल्फ बेस पे एक पजल है वो करेंगे, और एक थ्री पैरेलल रो अरेंजमेंट है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो थ्री पैरेलल रो अरेंजमेंट आपका मॉक नंबर 4 से उठाया गया है गाइडली के मॉक टेस्ट से, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। डाउट में मुझसे पूछा था मेल में, तो आप इस तरीके के डाउट पूछिए सर मॉक नंबर ये क्वेश्चन नंबर ये मुझे समझ नहीं है, आप वीडियो सेशन में ले लो, मैं यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट में ले लूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसके भी चार्जेस लगाऊं आपसे कि भैया आप मुझे पैसे दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपको वो फ्री डाउट क्लियरिंग सेशन होगा वो, ठीक है। जैसा कि आज के सेशन में आपको स्क्रीनशॉट पे आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी जो हमारा पेड ग्रुप है सीक्रेट ग्रुप, वहाँ पर देखो मैंने डिस्कस किया था इस क्वेश्चन को, मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे ले लिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद वाला जो मॉक 4 होगा, मॉक 4 का जो क्वेश्चन है वो भी आपको इसी सेशन में देखने को मिलेगा, तो मैं आपको वो भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहले तो ये रहा क्वेश्चन नंबर, हिंदी इंग्लिश दोनों में है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये रहा, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, मैं थोड़ा सा इसको वो कर देता हूँ ऐसे, तब तो आपके पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी इंग्लिश में ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो चलो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो भैया आप सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले देखते हैं क्या बोला क्या है। कह रहा है कि अ शेल्फ 146 इन अ लेंथ, टोटल लेंथ जितनी शेल्फ की 146 इन लेंथ हैज़ अ 5 रैक, कितने रैक हैं, 5 रैक हैं, ऑफ डिफरेंट कलर लाइक वॉयलेट, ग्रीन, सिल्वर, गोल्डन, पर्पल, ठीक है। कहता है कि द रैक्स आर फेसिंग इन द नॉर्थ एंड कंटेन्स द सर्टेन नंबर ऑफ मेटल्स एंड वुड, ईच रैक हैज एट लीस्ट 1 वुडन एंड 1 मेटल। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल वुडन वुडन हो, मेटल मेटल हो, एक वुडन एक मेटल तो होगा ही होगा कम से कम देखा जाए। द लेंथ ऑफ द वुडन बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द मेटल इज 3 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि अगर एक वुड रखता हूं तो वो एक वुड अपने आप में कितना है, 4 सेंटीमीटर के बराबर है, और अगर एक मेटल लगता हूं तो वो अपने आप में कितना है, 3 सेंटीमीटर के बराबर है। आगे तो ईच रैक इज फिल्ड इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, तो मतलब वो मैक्सिमम कैपेसिटी पे भर रहे हैं, जितनी भी उसकी कैपेसिटी है रैक की उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी पे भर रहे हैं। द बॉक्स आर केप्ट साइड बाय साइड अलोंग देयर लेंथ, द ग्रीन रैक इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्पल कलर पर्पल रैक विच हैज 26 सेंटीमीटर। तो मैं इस लाइन को थोड़ा हाईलाइट करना चाहता हूँ। कहता क्या है कि द ग्रीन रैक जो कि वो थर्ड है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्पल जिसके पास 26 सेंटीमीटर की बातें हैं। आगे क्या कहता है इस चीज को समझ दो, कि कहता है क्या कि वॉयलेट एंड पर्पल रैक हैव सम नंबर ऑफ वुडन, मतलब वॉयलेट के पास जितने नंबर ऑफ वुडन होंगे उतने ही पर्पल के पास होंगे। किसी एक का पता लगा लो तो दूसरे का अपने आप पता चल जाएगा नंबर ऑफ वुडन बॉक्स। वॉयलेट के ही बात हो रही कंपेरिजन पर्पल के साथ हुआ, फिर वॉयलेट का कंपैरिजन ग्रीन के साथ हो रहा है, हैव सेम नंबर ऑफ मेटल, बट यहाँ पे मेटल की बात हो रही है। द सिल्वर एंड वॉयलेट आर नॉट बिसाइड ईच अदर, मतलब ये कह रहे हैं कि जो सिल्वर वाला बॉक्स है, सिल्वर वाला रैक है और वॉयलेट वाला रैक है, एक दूसरे के बगल बगल में नहीं बैठे हैं। कहता क्या है उसके बाद, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ सिल्वर एंड द गोल्डन रैक इज 18 सेंटीमीटर। समझना है यहाँ पे टोटल लेंथ की बात बोल रहा है ये, मतलब इसके अंदर वुडन भी है और मेटल भी है, तो सिल्वर का टोटल निकालेंगे कितना इसकी लेंथ आती है और गोल्डन रैक की कितनी लेंथ आती है, इनका डिफरेंस। अब वो पॉजिटिव में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है, तो वो मुझे बाद में पहचानना है। आगे देखते हैं, गोल्डन रैक हैज 11 बॉक्स, क्लियरली मेंशन है गोल्डन के पास क्लियरली है, और टोटल 15 सेंटीमीटर ज्यादा है वॉलेट के रैक से। तो मतलब वॉलेट के रैक का मुझे पहले निकालना होगा तभी गोल्डन रैक का निकलेगा, बट आगे देखते हैं भी और क्या बातें बोली गई। वॉलेट रैक इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गोल्डन रैक हूज नेबरिंग पैक रैक हैज 5 बॉक्सेस, ठीक है भाई, अच्छी बात है। पर्पल रैक हैज ट्वाइस एज मेनी मेटल बॉक्स एज दैट ऑफ सिल्वर रैक। चलो अब सबसे पहले क्या काम करोगे, सबसे पहले मैं काम करूंगा जो मैंने हाईलाइट किया है ना पर्पल वाला, इसको देखते पहले तो पर्पल लिखो यहाँ पे, यहाँ ना लिखो, यहाँ लिखो पर्पल, कोई दिक्कत नहीं। पर्पल से थर्ड लेफ्ट में ग्रीन है, 1, 2, 3। अभी कह रहा कि जो हमारा वॉयलेट है वो थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गोल्डन रैक है, तो अगर अब हम गोल्डन को यहाँ कहीं मानते हैं तो गोल्डन ये, तो 1, 2, 3 करके यहाँ पे आ जाएगा वॉयलेट। मुझे एक बात समझना, यहाँ पे ये गोल्डन तुमने माना,
अब बॉक्स कितने हैं, एक दो सॉरी रैक कितने, एक दो तीन चार पाँच, पाँच रैक सिल्वर तो यही लिखोगे ना अल्टीमेटली, पर सिल्वर और वॉलेट एक दूसरे के बिगल में नहीं होंगे, यहाँ बात ये बात बोली सिल्वर एंड वॉलेट। तो एक चीज़ तो यहाँ से कन्फर्म पता चल गई है कि मेरा गोल्डन बॉक्स किधर जाएगा। यस बिल्कुल सही कहा आपने, गोल्डन ये हो जाएगा। गोल्डन से थर्ड लेफ्ट में मुझे क्या लिखना है, वॉलेट को लिखना है। गोल्डन के थर्ड लेफ्ट में मुझे वॉलेट को लिखना है, वन टू थ्री करके वॉलेट। तो सिल्वर किधर होगा, ये हो जाएगा, हो गए पांच रैक, एक दो तीन चार पांच रैक हो गए, बिल्कुल हो गए। अब पांच रैक में से 11 बॉक्सेस तो सॉरी कितना है इसका, पर्पल का टोटल सेंटीमीटर मुझे पता था 26 सेंटीमीटर है। अच्छा गोल्डन के पास 11 बॉक्सेस हैं, ये सब बातें पता थी। अब एक बात बताइए मुझको, बोला गया था गोल्डन के किसी नेबर में, इमीडिएट नेबर में पांच बॉक्स होंगे, अगर मैंने इसको पांच बॉक्स दे दिया तो भाई मेरे एक बात बताओ, पांच बॉक्स दिया तो पांच बॉक्स है तो कॉम्बिनेशन बनेंगे तीन या दो, मतलब मेटल या वुडन, तीन या दो या फिर दो और तीन, तुम कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, क्या मैं 26 सेंटीमीटर ला पाऊंगा, बिल्कुल नहीं ला पाऊंगा। सर कैसे, क्या कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो, ये बात कर रहा हूँ कि अगर एक मेटल मेरा कितने बराबर का था, 3 सेंटीमीटर का था, और एक वुडन मेरा 4 सेंटीमीटर का था, तो यहाँ पे तीन मेटल थे, 3 3 9 हो गए, प्लस यहाँ दो वुडन और एक वुड आपका 4 सेंटीमीटर, 4 2 8 9 8 कितना हुआ, 17 हुआ, और लाना कितना था 26 सेंटीमीटर। बात बनी नहीं बनी, यहाँ पे भी वही करोगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, तो हो नहीं सकता। 18 कैसे आएगा, 3 2 6 और ये होगा 4 3 12, तो 6 7 18 आ गया, तो भी मेरा तो 26 सेंटीमीटर नहीं आ रहा। इसका मतलब तो कन्फर्म हो गया कि 5 बॉक्सेस किधर जाएंगे, ये बात कन्फर्म हो चुकी 5 बॉक्सेस किधर जाएंगे, 5 बॉक्सेस होंगे सिल्वर के पास, 11 बॉक्स ये हो गया, 5 बॉक्स ये नहीं होंगे, इसको हटाओ यहाँ से। पर्पल के पास 5 बॉक्सेस नहीं होंगे, कितने होंगे नहीं मालूम, लेकिन 5 बॉक्स अगर तुमने यहाँ लिखा हुआ है तो इसका कॉम्बिनेशन कितना आएगा, 3 या 2 आएगा, कितना आएगा 3 या फिर 2 आएगा। तो अगर हम फिर देखें मेटल प्लस वुड यहाँ रखते हैं, 3 और 2 या फिर 2 और 3 लिखेंगे, यही तो करेंगे, यही कॉम्बिनेशन करेंगे, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन करने पे क्या आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज़ यहाँ पे दी हुई थी मुझे कि सिल्वर से रिलेटेड कोई पॉइंट दिया हुआ था, सिल्वर से रिलेटेड क्या पॉइंट दिया हुआ था वो भी देखने वाला है, और वॉलेट का रिलेटेड पॉइंट दिया हुआ था, सिल्वर से रिलेटेड एक पॉइंट दिया था, लास्ट लाइन बोली गई थी, मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि कौन सा लाइन बोली गई थी, ध्यान में रहेगा आपके, कि पर्पल रैक हैज ट्वाइस एज मैनी मेटल एज बॉक्सेस विद द सिल्वर। अच्छा एक बात बताइए आप मुझको, मैं पहले ये वाला कॉम्बिनेशन उठाता हूँ, जहां पे मैंने सिल्वर को दिए 2 मेटल, तो 2 मेटल हुए तो उसका ट्वाइस करने पे उतने ही नंबर ऑफ मेटल्स मेरे पास पर्पल रैक में जाएंगे, बोलो हाँ कि ना, बिल्कुल सही बात। तो उसका ट्वाइस करने 2 2 4 यहाँ हो गया 4 मेटल, तो बचे हुए कितने होंगे, वुड होंगे। अब सर बचे हुए कितने वुड होंगे मुझे तो ये भी नहीं मालूम, लेकिन टोटल तो मालूम है 26 सेंटीमीटर है। अभी मुझे पता है एक मेटल कितने सेंटीमीटर का है, एक मेटल आपका 3 सेंटीमीटर का है, तो 4 × 3 = 12 सेंटीमीटर, तो केवल मेटल मेटल ले लिया, तो 26 में से 12 हटा देंगे तो 14 आएगा। तो अब मुझे बताओ वुड के कितने कितने सेंटीमीटर के ले ले कि 14 बन जाए मेरे पास, तो मैं अगर 4 लूँगा प्लस 4 लूँगा प्लस 4 लूँगा, तो 4 4 8, अच्छा 12 हो गया, लेकिन 14 तो नहीं आया। तो मतलब अगर हमने नेक्स्ट चार लिया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ये सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 4 12 12 4 4 8 8 4 12 12 4 16, पर मुझे लाना था 14 सेंटीमीटर, तो बात ये नहीं बनेगी मेरी, मतलब मामला मेरा गड़बड़ा जाएगा यहाँ पे। तो मेरा 4 मेटल तो होंगे नहीं होंगे, मतलब कि ये वाली जो पॉसिबिलिटी मानी हो ये गलत होगी। अगर मैंने 3 मेटल माना होता यहाँ पे और 2 वुड माना है, तो 3 मेटल यहाँ पे सिल्वर के पास है, तो ट्वाइस मुझे करना पड़ेगा ना, मुझे ट्वाइस करना पड़ेगा किसके लिए, सिल्वर के मेटल के लिए, ताकि पर्पल का मेटल निकल जाए, तो 3 2 6 पर्पल के मेटल हो जाएंगे, तो बचे हुए कितने होंगे, वुड होंगे। अच्छा सर एक बात ही, कितने मेटल हो गए, 18 मेटल तो हो गए ना, 18 सेंटीमीटर का मेटल मेटल हो गया, क्योंकि एक मेटल आपका 3 सेंटीमीटर, 6 3 18, बचा कितना 8 में, बचा कितना आपका
छः में आठ में से छः माइनस टू माइनस टू इज एट और आपका हुआ आपका हाँ 8 सेंटीमीटर। अब मैं वुड कितना ले लूँ, 4 + 4 + 4 कितना ले लूँगा, अरे भाई 2 वुड ले लूँगा, तो मतलब 2 वुड ले लिया तो मेरे पास हो जाएगा 8। तो टोटल अगर हम इसका करेंगे तो अब मेरे पास 26 सेंटीमीटर आराम से आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कैसे आया 26 सेंटीमीटर, सब कुछ कैसे निकाला हमने, ये आ जाएगा। मतलब बॉक्स कितने हुए, 6, 7, 8 बॉक्सेस हुए इसके पास, ठीक है। अभी बात बताओ मुझको यहाँ पे ध्यान से कि ये कितना आएगा आपका, 3 3m + 2v आपका आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। अब एक बात मुझे एक और बात पता चल गई है यहां से, बोला ये था गोल्डन और सिल्वर का अगर हम टोटल देखा जाए, गोल्डन और सिल्वर तो यहाँ पे डिफरेंस हुआ था कि 17 से मुझे गोल्डन, क्योंकि सिल्वर का टोटल पता है गोल्डन का 7 18 का डिफरेंस। अब ये देखो नेगेटिव में जाएगा नहीं तो पॉजिटिव में जाना चाहिए डिफरेंस, तो गोल्डन के पास कितने हो जाएंगे 18 + 17 मतलब गोल्डन के पास 35 होंगे, समझ में आया। तभी देखो 35 में से जब 17 हटाएंगे डिफरेंस लिया तो मेरे पास 18 आ गया, जो कि मुझे बोला गया था यहाँ पे इस लाइन पे सिल्वर एंड गोल्डन के बीच में। तो गोल्डन के पास जो टोटल आ रहा है वो 35 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। पर कितने बॉक्सेस हैं, कितने मेटल हैं, कुछ नहीं मालूम अभी हमको, अभी हमको कुछ भी नहीं मालूम। कोई बात नहीं, यहां से हटा देते हैं सब चीजें पहले। तो अब एक चीज लेकिन तो भाई यहां से क्लियर हो रही है कि वॉलेट के पास टोटल कितना आएगा ये पता चल जाएगा, क्योंकि गोल्डन के पास वॉलेट से 15 सेंटीमीटर लार्जर है, जैसा कि यहां पे बोला गया था गोल्डन रैक हैज 11 बॉक्स इन टोटल एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द वॉलेट रैक, बोला गया था ये लाइन। तो अब इसका मतलब हो जाएगा 35 - 15 तो वॉलेट के आ जाएंगे टोटल, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर वॉलेट का, 20 सेंटीमीटर वॉलेट का। तो अब मुझे एक चीज बताओ, तो क्या मैं ग्रीन का नहीं निकाल पाऊंगा, क्यों नहीं निकाल पाऊंगा, 20 + 17 + 35 + 26 किया मैंने तो कितना आएगा ये देखो, तो आपका हो जाएगा 20 + 17 + 35 + 26 तो 6 5 11 11 7 1 18 8 1 ऊपर 2 3 2 3 4 4 3 7 7 2 9 98 और 146 मुझे टोटल पता था, तो 98 में से माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका, आएगा -2 - 2 = 8 और ये हो गया आपका 3 3 - 6 = 4 48 आएगा। तो ये आपका ग्रीन का हो गया 48 सेंटीमीटर। ये बातें यहाँ तक तो आई होप सबको क्लियर हो गई होंगी। अब बातें क्या बोली गई थी वॉलेट के रिगार्डिंग, कि वॉलेट के पास उतने नंबर हैं वुड जितने पर्पल में है, तो पर्पल के पास 2 वुड हैं, ठीक है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 2 वुड है, मतलब 4 2 = 8 8 सेंटीमीटर वुड ने ले लिया, तो बचा हुआ 12 कौन ले लेगा, मेरा मेटल ले लेगा, और एक मेटल आपका 3 सेंटीमीटर का आया तो 12 लाना है, तो 4 मेटल मुझे चाहिए होंगे तब जाके 4 3 = 12 आ जाएगा। बात ये बराबर हो गई कि नहीं हो गई। अगर अब हम ग्रीन का देखें तो मुझे ग्रीन में अगर मुझे मेटल निकालने हैं तो उतने हैं जितने वॉलेट में मेटल हैं, जितने तो 4 मेटल हो जाएंगे। और उसके बाद मुझे ये वाला वुड निकालने के लिए अगर मुझे टोटल पता है 48 तो बस वैसे ही कंसेप्ट लगाऊंगा, कैसे, अगर मेटल मुझे पता है 4 है तो मेटल ने कितनी लेंथ ले ली है पहले तो ये देखो, तो 4 3 = 12 12 सेंटीमीटर का ले लिया, कितने में से 48 में से, तो 8 में से 2 जाएगा 6, 4 में से 1 जाएगा 3 36 तो मुझे कितनी वुड रखनी होगी, एक वुड आपका 4 का है तो 9 4 = 36 होता है कि नहीं होता, तो 9 वुड रखने पड़ेंगे ना, तो मेरे पास आ जाएगा। अब ये वाला कॉम्बिनेशन निकालने के लिए एक ही कॉम्बिनेशन बनता है, 9 + 2 = 11 होता है, जहां पे मैं 9 मेटल रखूंगा और 2 आपका वुड रखूंगा, तो 9 27 और 22 7 8 22 होगा क्या, नहीं हाँ 9 मेटल तो 9 27 और 4 2 = 8 15 1 35 सेंटीमीटर सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन देगा, बाकी आप कोई भी कॉम्पिटिशन ले लो 8 + 3 करोगे 10 + 1 करोगे वो 35 का नहीं आना चाहिए, तो हमें इस तरीके से सोचना था कि 35 सेंटीमीटर मेरे को कवर हो जाए, तो 9 मेटल + 2 वुड
ये बना लेगा यहाँ पे। तो आई होप यही सबका आंसर आया होगा आराम से। 9 4 13 बॉक्सेस इसके पास हो जाएंगे, 4 2 6 बॉक्सेस इसके पास हो गए होंगे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन बना होगा। चलो अब इसी के साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं फटाक से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग के पास ये है, स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा, तो मैं हिंदी वाला पोर्शन हटा देता हूँ, ठीक है ना, ताकि मुझे एक्सप्लेन करना है यहाँ पे, तो मैं हिंदी वाला पोर्शन हटा देता हूँ यहाँ पे। अब आगे देखो यहाँ पे, इस चीज़ को मैं यहाँ ऐसे कर दूँ। अच्छा, जिसने मॉक नंबर 4 अटेंड किया होगा उसको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिला होगा, 3 पैरेलल रो वाला, ठीक है। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं, चलो देखते हैं कि क्या कहता है। कहता है 15-15 पर्संस हैं जिसके नाम दिए हुए हैं, इन 3 पैरेलल रो में बैठे हुए हैं। देयर आर 18 चेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग रो 1 रो 2 एंड रो 3 इन सच अ वे दैट रो 1 इज इन नॉर्थ ऑफ रो 2 एंड रो 2 इज इन नॉर्थ ऑफ रो 3। समझना, रो 1 किसके नॉर्थ में, रो 2 के नॉर्थ में, और रो 3 किसके नॉर्थ में है, रो 2 के नॉर्थ में है। समझ में आया? तो मतलब जो ये वाली रो है ये मान लो रो 3 हो जाएगी, ये आपका रो 2 हो जाएगा और ये आपका रो 1 हो जाएगा। इस तरीके से 1 2 3 के अरेंजमेंट में दिया हुआ होगा। पर यार अभी देखते हैं, 15% है, चेयर कितनी होंगी। एक अगर हम देखें चेयर की बात करें तो टोटल चेयर जो है यहाँ पे दी हुई है 15% फ्रॉम द क्लास एंड देयर आर 15 persons की बात की गई है, तो चेयर कितनी हुई होंगी, एटमोस्ट 2 चेयर एंड ऑल चेयर आपके 18 यहाँ पे देखो मेंशन है 18 चेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो मतलब 6 3 18 हर रो में 6 6 चेयर होंगी। पर्सन नहीं बोल रहा हूँ गाइज, यहाँ सोचो, यहाँ दिमाग इमेजिन को, 15 पर्सन बैठे हुए हैं पर हर रो में 6 6 चेयर रखी गई हैं, ठीक है ना। अब बात बोली गई एटमोस्ट 2 चेयर इन ईच रो आर वैकेंट, मतलब मैक्सिमम देखा जाए हर रो में 2 हो सकती हैं, 2 से 3 रो 3 वैकेंट चेयर नहीं हो सकती, मतलब एटमोस्ट बोल दिया गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर रो में कोई ना कोई चेयर वैकेंट है, क्या पता किसी रो में ऐसा हो सकता है एक भी चेयर वैकेंट ना हो, सारे पर्सन बैठे हो, या फिर एक ऐसा हो सकता है कि एक आपका एक रो में वैकेंट है, दूसरी रो में वैकेंट है एक चेयर, और तीसरी रो में भी वैकेंट है एक चेयर, मतलब 3 वैकेंट तो मुझे फिक्स करने ही करने ना, पर चाहे वो कैसे भी करूं मैं, लेकिन मुझे 3 वैकेंट मुझे फिक्स करना है। बात यहां पे समझ में आ रही कि नहीं आ रही, पहले ये बताओ। देखो भाई, एटमोस्ट 2 चेयर इन ईच रो आर वैकेंट, मतलब मैक्सिमम बता रखा है कि 2 चेयर वैकेंट हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, मिनिमम 0 भी हो सकती है, एक भी नहीं होगी, या फिर एक एक करके होगी, मतलब आपकी 3 रो है, एक वैकेंट यहाँ हो गया, एक वैकेंट यहाँ हो गया, एक वैकेंट ये भी हो सकता है, या फिर इसमें एक भी वैकेंट नहीं है, इसमें 2 वैकेंट हो गए, इसमें आपका एक वैकेंट हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, अब आगे पढ़ो, समझ में आ गया होगा कि ये एटमोस्ट का मतलब क्या है, मतलब कोई डाउट नहीं बचा होगा। कहता है नाइदर एडजेसेंट नॉर चेयर एट द एंड ऑफ द रो आर वैकेंट, कह रहा है कि मतलब 2 एडजेसेंट एक बगल बगल में नहीं हो सकते, और आइदर एंड मतलब किसी भी, मतलब आपका कोई भी एंड पे कोई भी चेयर नहीं खाली होगी, कोई ना कोई पर्सन बैठेगा, ये बात बोली गई है यहाँ पे, कोई ना कोई पर्सन बैठेगा ये बात बोली गई हुई है। आगे देखो क्या बात कहता है, आगे क्या कहता है, अब समझना यहाँ से यार गाइस, यहाँ पे मैं यहाँ तक मैं पूरा क्या करूंगा, पॉइंट को नोट करूंगा और उसके बाद अप्रोच करूंगा। पर्सन इन फ्रंट ऑफ आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, तो समझो आर के सामने कोई पर्सन बैठा है ये, तो ये पर्सन थर्ड टू द लेफ्ट है, 1 2 3 आपका जेड ये हो जाएगा, 1 2 3 कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा। आगे देखा ना, ओ सिट्स इन फ्रंट ऑफ क्यू, ठीक है, ओ इन फ्रंट ऑफ क्यू है, क्यू के सामने ओ है, मतलब समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो क्यू है वो थर्ड रो में नहीं हो सकता, ऊपर वाली रो में ना, वैसे आर भी मेरा थर्ड रो में नहीं हो सकता। आगे क्या कहता है कि O sits in front of Q, who, जिसकी who की बात करी, Q, who sits immediate north east of M, समझ में आया, ये जो Q है वो north east of M है, मतलब M यहाँ होगा तभी उसके immediate north east, तभी immediate word जोड़ा गया है, तभी immediate word जोड़ा है कि तुरंत उसके बाद वाली row की बात हो रहा है, और immediate north में east side में ये बैठा हुआ है, direction जो मैंने बनाई है उसको focus करो, तो कहीं ना कहीं जो मेरा diagram बनेगा उसमें ये स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। तो मैं स्टार्ट भी करूँगा ना
गाइज, तो मैं इसी पॉइंट से स्टार्ट करूंगा, जो भी मैं स्टार्ट करूंगा वो इसी, क्योंकि मुझे पता चल गया कि फर्स्ट रो में एम होगा, सेकंड रो में क्यू होगा, थर्ड रो में ओ होगा. जेड नाइदर सिट इन द सेम रो विद ओ नॉर इन फ्रंट ऑफ वाई. तो भाई कह रहा वाई के सामने जेड नहीं होगा और जेड प्लस ओ नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये बातें बोली गई हैं. 1% सिट्स बिटवीन जेड एंड डब्ल्यू. कह रहा जेड एंड डब्ल्यू के बीच में 1% है. तो गाइस चौकन्ने हो जाओ, यहाँ पे वैकेंट भी आ सकता है. कैसा, कहने का मतलब कि अगर एक ये चेयर है, एक यहाँ पे पर्सन बैठा है, तो जेड एंड डब्ल्यू के बीच में 1% है कि नहीं है, ऐसा भी हो सकता है. या फिर ऐसा भी कि 1% हो, सीधा सीधा कोई भी वैकेंट नहीं है. तो मैं मतलब क्या करता हूँ, 1% लिख के ऐसे लिख देता हूँ कि समझते रहना यहाँ पे हो क्या रहा है. ठीक है ना, आगे देखो क्या कहता है. आगे कहता है एल हु डज नॉट सिट एट एनी पोजिशन इन फ्रंट ऑफ एम. समझ में आ रहा क्या, क्या बोल कह रहा है कि एल जो है डज नॉट सिट एनी ऑफ द पोजिशन इन फ्रंट ऑफ एम. कहने का मतलब हो गया एम के सामने वाली रो में एल कतई नहीं आएगा कहीं पे भी, चाहे लेफ्ट राइट मिडल कहीं. हाँ, एम के सामने एक का गैप देके दूसरी रो में हो सकता है एल, बट एम के सामने एल नहीं आएगा, ये बात बोला गया है. तो मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख देता हूँ कि एम के सामने एल नहीं होगी. ठीक है, क्लियर है बातें. आगे देखे जाए, आगे क्या कहता है कि एल हु डज नॉट सिट एनी पोजिशन इन फ्रंट ऑफ एम एंड लगा है, तो मतलब एल की बात हो रहा है, सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स. तो एक्स से थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 आप 1 2 3 आपका एल हो जाएगा एक्स से थर्ड लेफ्ट में. बात क्लियर है, यहां तक क्लियर होनी चाहिए. आगे कहता है नंबर ऑफ चेयर. बेटा यहां बोला है नंबर ऑफ चेयर की बात बोली गई, नंबर ऑफ पर्सन की बात नहीं बोली गई है. अगर नंबर ऑफ पर्सन बोल देते ना तो अलग ही गेम होता वहां पे. तो मैं आपको फाइनल चीज करने के बाद बताऊंगा कि नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ चेयर में क्या फिर डिफरेंस आता है यहाँ पे. ठीक है ना, बोला गया नंबर ऑफ चेयर लेफ्ट ऑफ पी इज सेम एज द नंबर ऑफ चेयर टू द राइट ऑफ ओ. ठीक है ना, पी के लेफ्ट में चेयर जितनी है उतने ही ओ के राइट में आपकी चेयर है, सेम नंबर ऑफ चेयर है. कहता है एम सिट्स थ्री प्लेसेस लेफ्ट ऑफ वाई एंड नन ऑफ देम सिट इन द एंड ऑफ द रो. तो 1 2 करके एम आ जाएगा और कोई भी एंड पे नहीं बैठा है, नन ऑफ देम एंड पे नहीं है, एंड पे कोई भी नहीं है. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यार एक चीज समझ में आ गई, रुको थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा रुक कर यहाँ पे अगर हम देखें तो हम क्या इसका यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज कर सकते हैं. इस कंडीशन का कंडीशन 1 इसको मैं दे देता हूँ और कंडीशन 2 इसको देता हूँ, इनका यूज करते हुए डायग्राम बनाओ तुम जरा. तो मैंने कहा भाई देखो, हमने एम को यहाँ रखा, ठीक है, 1 2 का गैप देके वाई को रखा, और ये बात पता है इन दोनों से कोई भी एंड पे नहीं होगा, मतलब एक यहाँ ऐसा कर सकते थे कि नहीं. बस 6 लोगों की अरेंजमेंट हो गई, 1 2 3 4 5 6. तो अब इसके आगे बनाओ 1 2 3 4 5 6 और एक और बना दो 1 2 3 4 5 6. अच्छा M लिखा था, तो अब इस कंडीशन को यूज करो, M के सामने ये रहा और यहाँ पे आपके सामने Q हो जाएगा, Q के सामने O आपके सामने यहाँ हो जाएगा. बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई ना, आ गई कि नहीं आ गई? अब ये बात बताओ R कभी भी इस रो में तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर R यहाँ रखोगे तो R के सामने वाली रो में Z यहाँ आएगा, और ऑलरेडी अगर O आ चुका है तो बोला था कि Z जिसके सामने जिस रो में Z है उस रो में ओ नहीं होना चाहिए, ये बात बोली गई थी. तो अल्टीमेटली ये बात तो पता चल गई कि आर आने वाला इस रो में, पर आर आएगा किस तरफ ये बात समझने वाला ये भी है कि अगर हमने आर कहा था तो 1 2 आपके सामने आ जाएगा, आर को यहाँ रखा तो आर के सामने वाला ये जेड यहाँ आ जाएगा, या फिर ऐसा हो सकता था कि आर यहाँ रखा ये और 1 2 3 4 जेड आपका ये हो सकता, ये वाली कंडीशन है. तो यार यहाँ पे देखा जाए घुमा फिरा के मेरे पास 2 कंडीशन बन के आ रही है आर के लिए, अगर हम तीसरी इस कंडीशन को उठाकर चल रही तो मैंने क्या किया, मैंने इसका एक कॉपी बना लिया. यार बना लेते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी का मैं कॉपी बना के कर लेता हूँ यहाँ पे आपके सामने पेस्ट. ठीक है, 2 चीज़ आ चुकी हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो अब हम इस कंडीशन को लेते हुए चलेंगे पैरेलली कि भैया हमने आर को एक बार यहाँ रख लिया है, आर से हमने 1 2 3 4 जेड को यहाँ रखा,
सिमिलरली यहां रखा तो जेड को यहां रखा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है यार। एक काम करो अब आगे पढ़ लेते हैं। द चेयर विच इज इमीडिएट साउथ ईस्ट ऑफ एक्स इज वैकेंट। तो कह रहा कि एक्स के जो साम इमीडिएट साउथ ईस्ट में है वो आपका क्या है, वैकेंट है, ठीक है, ये बात समझना। आगे देखिए, अब आगे क्या कहता है कि एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन हु सिट एट वन ऑफ द एंड। मतलब एन के इमीडिएट में एस बैठ रहा है, इमीडिएट लेफ्ट में। अब ये कहाँ बैठ रही हैं बातें, ये देखने वाला, यहाँ पे ये भी होगा। तो यार देखो, एन जो है एंड पे आना चाहिए, एन से एस नहीं आएगा, एन से एस यहाँ आ सकता है, एन से एस आएगा, एन से एन यहाँ आ सकता है, तो एन से एस यहाँ आ जाएगा, एन से एस यहाँ पे भी आएगा, तो यार बातें बनेंगी। आगे देख लेते हैं कोई चीज़। वन पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड द वन हु सिट्स इमीडिएट साउथ ईस्ट ऑफ यू। बात समझ में आई क्या, यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन बोली गई है, यू के इमीडिएट साउथ ईस्ट में मान लो ये पर्सन है, तो ये पर्सन वन पर्सन का गैप देखिए टी, ये हो सकता था, या फिर ये एक बात और टी इधर ही क्यों आया सब, वन यहाँ पे भी वन पर्सन का गैप देख के टी तो हो सकता था। तो ये दोनों बातों को मुझे समझते हुए चलना होगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अच्छा, अब चौथी कंडीशन मैंने कौन सी उठाई थी, चौथी कंडीशन मैंने जो उठाई थी आपकी, आपका मैंने इतना तो कर लिया है, चलो ठीक है। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा, अब हमें थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना पड़ेगा। चलो देखते हैं कि कौन सी कंडीशन को उठाते हैं। अब मेरी कंडीशन ये वाली तो हो गई है, ये भी मेरी हो गई है, और देखा जाए तो ये भी मेरी हो गई कायदे से। अगर मैंने कहा ओ और पी वाली कंडीशन को उठा के चले, तो ओ के लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में कितनी चेयर है, एक दो तीन है, तो पी के लेफ्ट में भी तीन होनी चाहिए, एक दो तीन नहीं आ सकता, एक दो तीन करके पी यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो। सिमिलरली यहाँ पे भी करोगे, यहाँ पे इस जगह पे, तो एक दो तीन का गैप देखिए पी यहाँ लिख पाओगे, लिखोगे यही लिखोगे ना और कोई ऑप्शन, या फिर एक दो तीन का गैप देखिए पी यहाँ लिखोगे, यही करोगे और कोई ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास। तो सोचो थोड़ा सा और कि एक्स और एल वाली कंडीशन को देखिए, तो एक्स से थर्ड लेफ्ट में मुझे एल को लिखना है, अच्छा एक्स मेरा इस रो में आएगा नहीं, इस वाली रो में, क्योंकि एक्स के इमीडिएट ये साउथ ईस्ट में मुझे लिखना है, मतलब कि कोई डालना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरा एक्स किधर जाएगा, अगर हम एक्स यहाँ रखना चाहें तो वन टू थ्री नहीं आएगा, एक्स यहाँ रखे तो वन टू थ्री करके एल यहाँ आएगा, एक्स यहाँ रख के ये वाला वैकेंट हो जाएगा, बात बनेगी नहीं। समझो इस वाले क्वेश्चन में एक्स यहाँ रखोगे तो एक्स के सामने ये वाला साउथ ईस्ट में वो ये वैकेंट खोल सकते क्योंकि कॉर्नर पे है, और एक्स यहाँ नहीं आएगा, तो मतलब एक्स मेरा आना इस रो में है, पर किधर आना है ये भी नहीं मालूम है अभी, ये तो बात पक्का है कि एक्स यहाँ नहीं आएगा, ना तो एक्स यहाँ आएगा, एक्स कन्फर्म यहाँ आएगा, तो वन टू थ्री एल यहाँ हो जाएगा कन्फर्म, बातें पता चल चुकी हैं ये तो। अच्छा एक्स यहाँ रखते तो ये वैकेंट होता, नहीं आ सकता, एक्स यहाँ रखेंगे नहीं होगा, एक्स यहाँ आएगा यहाँ कहीं, एक्स ये नहीं होगा, एक्स यहाँ रखेंगे तो वन टू थ्री करके एल ये हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। अब हमें देखे एन और एस वाली कंडीशन, तो अल्टीमेटली एन यहाँ आएगा, एस यहाँ आएगा, क्योंकि एन जो होता है मेरा कॉर्नर पे होगा, बात ये बोली गई थी कि एन मेरा कॉर्नर पे है, एट एनी ऑफ द कॉर्नर, तो एन से एस और एन से एस। समझना बातों को यहाँ पे गुरु कि हो क्या रहा है, ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होंगी एक्स से एल। अच्छा अब मैं सोचूंगा कि एक पर्सन को मैं अगर और बैठाना है तो मुझे देखो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि यू और टी वाली कंडीशन है, अच्छा एक्स और एल वाली कंडीशन भी हो गई है मेरी, अच्छा ओ और पी यहाँ पे देखा जाए तो पी के लिए एक दो तीन करके पी यहाँ आएगा, एक दो तीन करके पी यहाँ पे भी आ सकता है, बातें बन रही हैं। ओके तो मुझे देखना पड़ेगा यार थोड़ा बहुत, अब सोचो थोड़ा सा कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती, कोई पॉइंट तो नहीं मिस कर रहा हूँ, नहीं एट वन ऑफ द कॉर्नर, ओके सारे पॉइंट हो चुके हैं, एम के सामने एल, हाँ एक और ये भी पॉइंट मिल रहा था ना कि एम के सामने वाले में एल नहीं होना चाहिए था, तो एम के इस वाली रो में कहीं ना कहीं एल तो नहीं दिख रहा है, एल तो इस रो में, तो ये भी बात सही है मेरी, ये वाला ये भी पॉइंट मेरा क्लियर है। चलो अच्छा आओ देखते हैं, अब कलर चेंज करके
देखते हैं कि कौन सा पॉइंट उठाया जाए। मैं लेता हूँ कलर ये वाला, चलो ब्लैक। अच्छा, एक्स के इमीडिएट में आपका ये वैकेंट हो गया, एक्स के ये वाला आपका वैकेंट हो गया, ठीक है। तो अब मैंने जेड और डब्ल्यू के बीच में मुझे 1% डालना है, तो जेड ये रहा, 1% यही रहेगा। अगर हमने यहाँ W का, तो ये पर्सन और ये पर्सन होगा, क्योंकि ये तो वैकेंट नहीं हो सकता, यहाँ कोई ना कोई पर्सन होगा ही होगा, यहाँ कोई ना कोई पर्सन होगा ही होगा, वैकेंट नहीं आ सकता। तो यहाँ कोई ना कोई पर्सन अगर हुआ, तो W अगर लिखा, तो Z और W के बीच में 1% तो होगा ही होगा बोला था, तो यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है ना, समझ में आया, यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा Z और W के बीच में। इसका मतलब यहां कोई ना कोई तो पर्सन होगा लेकिन W नहीं होगा। मान लो कोई भी हो जाता है, कोई भी, तो Z और W के बीच में 1% लिखने से क्या लिख पाऊंगा? W को यहां पे भी लिखूं अगर मैं, तो Z और W के बीच में मिनिमम 2 लोग होंगे, ठीक है, समझ। ये वाला केस तो पूरा गलत हो जाएगा, हम नहीं कर पा रहे हैं। Z ये रखा है, पर्सन ये रखा, वैकेंट रख के W यहां आ सकता है, या फिर W यही हो, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सी चीजें मेरे पास बनेंगी। तो मैं क्या करूंगा, चीजों को समझते हुए चलूंगा कि चलो ठीक है, एक काम करो, U को देखो कहाँ होगा, क्योंकि U और T के बगल, U के साउथ ईस्ट में जो पर्सन होगा वो आपका हो जाएगा। तो अगर आपको U अगर यहाँ लिखेंगे, तो U के मिलेगा में ये 1% के, टी तो लिख नहीं पाऊंगा मैं, यू यहाँ लिख के ये टी, तो तब ये और एक का गैप देख के टी, तो अगर मुझे ये वाली कंडीशन को बैठाना है, अगर मुझे ये वाली कंडीशन, तो मेरा कभी भी यू इस रो में नहीं आएगा, कैसे आओ दिखाते, इमेजिन करो यू अगर तुम सोचो यहाँ है, ठीक है, तो यू के इमीडिएट साउथ ईस्ट में ये वाला पर्सन, अब इस पर्सन से लेके टी मुझे 1% में डालना है, तो भाई हम टी तो कभी नहीं ले पाएंगे, मिनिमम 2% रहेंगे ही रहेंगे, तो यू यहाँ आएगा नहीं। यू अगर यहाँ लिखोगे, तो ये रहा इमीडिएट साउथ ईस्ट में, अब यहाँ से अगर टी को मुझे लिखना एक पर्सन को गैप में रख के, तो भी नहीं लिख पाएंगे, तो अल्टीमेटली यू तो मेरा यही जाएगा ना, और कोई ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास, और कोई ऑप्शन भी नहीं है गुरु मेरे पास, तो यू से इमीडिएट राइट में ये रहा टी, अच्छा सॉरी ये रहा क्यू, तो इस पर्सन को रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मुझे टी लिखना पड़ेगा एक का गैप देख के। तो अब मैं टी यहाँ लिख सकता हूँ, टी मैं यहाँ लिख सकता हूँ, बातों तो मेरी बात समझ में आ रही, तो मैं दोनों तरफ को लिख के देखूंगा ना। एक बार मैंने टी को मान लो सपोज यहां लिखा, सपोज मैंने टी को यहां लिखा, तो जेड और डब्ल्यू के बीच में 1%, तो डब्ल्यू ये हो जाएगा, डब्ल्यू ये हो जाएगा। अभी मेरे को एक वैकेंट तो मैंने बना रखा था, मुझे 2 और वैकेंट बनाने थे, यहां तो हो नहीं सकता कोई भी वैकेंट, यहां तो होगा नहीं, जो भी वैकेंट होगा यहां होगा, पर इन दोनों में से कोई एक वैकेंट तो होना ही होना पड़ेगा, और वैकेंट हमारा आइदर एंड पे तो नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब ये बात तय हो चुकी है दोस्त मेरे कि टी यहाँ नहीं होगा, कन्फर्म पता चल गया टी मेरा ये हो जाएगा, कन्फर्म पता चल गया टी मेरा ये हो जाएगा। अच्छा, जेड और डब्ल्यू की बात आ जाती, तो डब्ल्यू को तुमने कहा था सर यहाँ लिख लेते हैं, बात बनती है कि नहीं? बिल्कुल बात बनेगी, लेकिन अगर डब्ल्यू को यहाँ लिख लोगे तो भी एक ना एक एंड मेरा तो किसी ना किसी उस पे आएगा वैकेंट, किसी ना किसी एंड पे तो एक वैकेंट मेरा आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली मुझे W को यहाँ लिखना पड़ेगा और वैकेंट को यहाँ लिखना पड़ेगा। अभी मेरे पास 2 वैकेंट हो गए और तीसरा वैकेंट ये रह जाएगा, हो गया। अब जो लास्ट वेरिएबल बचा आपका V, वो ये रहा। तो अल्टीमेटली देखा जाए आपका क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि भाई कितनों लोग का ये आंसर आया था, ठीक है। हर एक पॉसिबल केस मैंने समझाया है, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी केस नहीं समझाया है, कोई चीज मैंने रख के नहीं दिखाई। एक बार आप लोग पूरा दोबारा देखा करो, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आप लोग थोड़ा वीडियो कोर्स की बात कर ले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं अपने पर्सनल गाइडेंस सीक्रेट टेलीग्राम में, नॉट मेरा पर्सनल नहीं, गाइडली का, जिन्होंने पेड ग्रुप ले पेड पैचेस खरीद के रखा है। अभी हाल ही में आज की तारीख में बता दूं, मैंने आज कोडेड सेलॉग्स ऐड किया है वीडियो, और मैंने एक मिनट एंड आवर हैंड पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मजा आएगा, वो क्वेश्चन मैंने बनाए। आपको इस कोर्स का लेने का फायदा, आपको प्रैक्टिस पीडीएफ में, देखिए हमने आपको पढ़ाया, हमने आपको समझा दिया, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, दिक्कतें आएंगी उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डाउट सेशन लेंगे। तो आपको इसमें यही फायदा मिला कि यार प्रैक्टिस के लिए आपको चीजें देखने को मिल रही हैं। अगर आप परचेस करना चाहते हैं, आपको कोई भी क्वेरी है
कि क्या यार क्वेरी है हमको, तो आप यहाँ पे मेल करके क्वेरी पूछ सकते हैं। सब्जेक्ट में वीडियो कोर्स लिखिएगा, फोन कर सकते हैं आप, इस नंबर पे फोन करिएगा, आपको हेल्प मिलेगी। कोई भी अगर आपने पेमेंट कर दिया, आपको नहीं लॉगिन हो रहा है या लॉगिन कैसे करना है, हर एक एक चीज मिलेगी। परचेस करने के लिए इस वाली वेबसाइट पे जाएंगे आप, estore.ibpsguide.com/videoclass, ठीक है ना। चलो अब मैं बात बता दूं, मैं आपको यहाँ पे मिसलेनियस टॉपिक्स में आपके कवर कर रहा हूँ, मेंस लेवल के जितने भी हैं। इसमें आपका प्री नहीं लेंगे कि क्या सर, बिल्कुल प्री की भी क्लास होंगी, ऐड होंगी, इसी में ही होंगी। बट करंटली अभी हमारे सामने आरबीआई असिस्टेंट मेंस रखा हुआ है, एसबीआई क्लर्क मेंस रखा हुआ है, एग्जाम है लॉकडाउन के बाद, तो अभी सिर्फ फोकस अभी हम लोग मेंस पे कर रहे हैं, बट प्री में इतने में ही होगी। बट आप लोग ये मत सोचेगा हमने 1499 स्पेंड कर दिया सर, अब मैं प्री के लिए अलग से पैसा दूंगा, ऐसा नहीं है। आप बस एक बार वन टाइम परचेज है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे अच्छा पॉइंट तो यही है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको यहाँ मिल रही है, ठीक है ना। तो चलो अब प्राइस 1499 का है, आप ले सकते हैं। और आपको कोई भी दिक्कत है तो आप जिस पे करेंगे इस पे कॉल कर सकते हैं, इस पे मेल कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम, जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।